यूपी के बुलंदशहर में शंबिलियन स्कूल सेंगड़ा पीर में आज छात्र छात्राओं को नहीं मिला मिड डे मील का भोजन। भूखे रहे बच्चे, स्कूल पहुंचे निलंबित शिक्षकों ने नहीं कराया शिक्षण कार्य न होने व बच्चों को खाना न मिलने पर अभिभावकों में रोष। गुरुवार को क्लासरूम में बच्ची के बंद रहने का वीडियो वायरल होने पर बीएसए ने स्कूल के पूरे स्टाफ को कर दिया था निलंबित। निलंबित प्रभारी प्रधानाध्यापक का दावा, मिड डे मील के भोजन की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की, गैस खत्म होने के कारण नहीं बन सका खाना। बजने को जाए 3 बजे छुट्टी होगी और 1 बज रहा, क्या दिक्कत आ गई? तो दिक्कत है कि बच्चे अब यहाँ रो भी रहे हैं, बच्चे भूखे रहेंगे 3 बजे तक। सुबह बच्चे घर चाय बिस्किट खा के आए हुए हैं, अब छोटे छोटे बच्चे 3 बजे तक भूखे। अब आप खुद देख लो, 2 घंटे बच रहे हैं छुट्टी में, 2 घंटे में तो खाना तैयार ना होने का। रेशमपाल सिंह नाम है और इंचार्ज प्रधानाध्यक्ष पद पर सेंगड़ा पीर विद्यालय विकास क्षेत्र गुलाबपुर में कार्यरत हूँ। नंबर एक तो हम लोग निलंबित हो गए। नंबर दूसरी बात, 1 अप्रैल से पहले मेरे द्वारा मध्यान्ह भोजन गुणवत्तापूर्ण तरीका से बनवाया जा रहा था, लेकिन प्रधान जी ने बहुत दबाव में आकर के गांव के कुछ ऐसे लोगों जिनके बच्चे भी नहीं पढ़ते थे उन्हें ला करके और ये कहकर खाना हम बनवाएंगे, मास्टर जी आपका अधिकार नहीं है। एक मैंने भी उस स्थिति में एक मीटिंग रखी SMC की, उस SMC मीटिंग में उनको ये कहते हुए कि गुणवत्तापूर्ण खाना आप बनाए और विद्यालय बनाए तो खाना आप ही बनाएंगे, और 1 अप्रैल से खाना लगातार वही बना रहे हैं, उन्हीं पर चार्ज है। आज तक जो भी मध्यान्ह भोजन का धनराशि है मंथली वो उन्हीं के नाम पर जारी की जा रही है। मुझे जहाँ तक संज्ञान में आया सुबह के आपके स्कूल में प्रधान जी ने मुझे मेरे माध्यम से बताया कि सोयाबीन की बड़ी नहीं है, आलू नहीं है, प्याज नहीं है, टमाटर नहीं है, उनकी व्यवस्था मैंने अपने स्तर से, ये मानते कि मेरे बच्चे हैं, मैंने स्तर से कर दी, लेकिन प्रधान जी के यहाँ से कोई भी नया तो इसको पूछने आया, एक बच्चे का जरूरत, उसकी वजह से गाँव वाले विद्यालय के अध्यापकों के फेवर में आए, गार्जियन आए कि इन अध्यापक यहाँ पर बहुत अच्छा कार्य करते हैं। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।